देखो नेक्स्ट है मिसलिनियस एक्सरसाइज का आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 10 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको पहले सॉल्व करा चुका हूँ, तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ये देखो जो क्वेश्चन है इसमें आपको dy ओवर dx की जो वैल्यू है वो प्रूफ करनी है, ये आनी चाहिए y अपॉन x। तो उसके लिए क्या करेंगे आप यहाँ पर कुछ पुट करेंगे, कुछ पुट करके फिर इसे कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके आपका आंसर आएगा। इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप, हमें गिवन है given that cos inverse x square minus y square divide x square plus y square is equal to tan inverse a, ठीक है। आप इसमें पुट करेंगे पुट y equal to x cos theta बटा, यहां से आप अगर cos थीटा की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी y upon x। अगर हमें थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो cos इनवर्स y upon x, ठीक है। अब इसमें पुट करो देयरफॉर ये आएगा आपका cos इनवर्स x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइड x स्क्वायर प्लस x square cos square theta is equal to tan inverse a। इसमें देखो x square common लेके cancel हो जाएगा, ये जाएगा cos inverse 1 minus cos square theta divide 1 plus cos square theta, ऊपर से और नीचे से आप क्या करेंगे common ले लेंगे x square वो कट जाएगा। एक formula होता है cos 2a का, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला था ना, ये टेन की टर्म में होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए है ना। तो यहां पे ऐसा करो आप ये जो कॉस लिखा है ना इसको टेन करो, ये टेन आ जाएगा यहां, तो ये टेन इनवर्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा cos square का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइड 1 प्लस tan स्क्वायर a, cos 2a का फॉर्मूला होता है ये tan स्क्वायर हो 10 ये भी 10 ये भी 10 आपका ये tan स्क्वायर tan स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू है cos 2b, tan की टर्म में cos का फॉर्मूला होता है। अब आप यहाँ पे cos 2a हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, अब हम क्या थीटा के टर्म में है ये, तो यहाँ पे थीटा है तो cos 2 थीटा हो जाएगा, ये लिखा जाएगा आपका cos इनवर्स, ये बनेगा कितना cos root 2 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a, ये हट जाएगा इससे तो 2 थीटा है केवल, 2 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 into थीटा, थीटा आपका कितना है tan इनवर्स y upon x, तो 2 tan इनवर्स y upon x is equal to tan इनवर्स a, डिफरेंशिएट करेंगे डिफरेंशिएटिंग ये कांस्टेंट में चला जाएगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x b है, करो डिफरेंशिएट तो 2 into 1 upon 1 plus y square upon x square into, अब हम करेंगे इसका y upon x, अब y upon x का क्या होगा देखो हर सेम रहेगा, अंश का हो जाएगा dy over dx माइनस अंश सेम रहेगा हर का हो जाएगा 1 और हर का वर्ग यानी x और बराबर में ये कांस्टेंट है 0, ये सब 0 में चला गया करो ये हो जाएगा आपका 1 upon x square plus y square और डिवाइड x square into x dy over dx minus y divide x square, ये x square cancel हो जाएगा is equal to 0, ये सब 0 में चलेगी तो केवल क्या आया x dy over dx minus y equal to 0, dy over dx को आप एक तरफ कर लो ये आएगा dy over dx is equal to y और ये x multiply है तो divide, ये आ गया आपका y, ये हमें ठीक, ये
एक्सरसाइज सेवन का है क्वेश्चन, मिसलिनियस एक्सरसाइज है सेवन की, उसका क्वेश्चन नंबर 11। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आप इसको सॉल्व करेंगे एक बार इसे रफ में सॉल्व करेंगे, फिर आप इसे पेयर में सॉल्व करेंगे। करो इसको नोट कर। एक और क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है 12। इसमें y की वैल्यू ही आपको दी हुई है, मैंने बोर्ड पे जो लिखी है। ये आपसे कह रहा है कि आपको सिद्ध करना है कि dy / dx की जो वैल्यू है वो sin स्क्वायर a plus y / sin a है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, जो आपको दिया है वो लिख लेंगे पहले आप। गिवन दैट ये हमें दिया हुआ है y equal to x sin a plus y, ये इधर डिवाइड में आएगा y / x, y upon x, या ऐसा करो x equal to लिखो, x को एक तरफ कर दो, ये जाएगा x equal to y upon sin a plus y, ठीक है। अब यहाँ देखो x function है y का, तो x को differentiate कर दो with respect to y, दोनों पक्षों का y के सापेक्ष, y के सापेक्ष अवकलन करने पर, y के सापेक्ष करेंगे dx over dy is equal to, हर सेम रहेगा पहले sin a plus y, हर सेम अंश का अवकलन y का हो जाएगा dy बटे dx, फिर माइनस अंश सेम रहेगा हर का, हर क्या है साइन का हो गया cos a plus y into a का जीरो और y का dy over dx, और डिवाइड हर का वर्ग, हर का वर्ग यानी कि साइन स्क्वायर a plus y, ये बन गया। अब देखो यहां पे ये जो dx over dy लिखा हुआ है इसको ऐसा उल्टा लिख दो, इसको आप लिखो dy over dx, तो ये जो पद है ये नीचे वाले ऊपर चले गए, तो ये क्या बन गया sin स्क्वायर a plus y, और ये नीचे हो जाएगा, इन दोनों में dy over dx कॉमन है, dy over dx कॉमन ले लो, कितना होगा यहाँ पर कॉमन लेने के बाद, ये बचेगा आपका sin a plus y, sin a plus y minus y cos a plus y, ये dy / dx के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका dy / dx का स्क्वायर हो जाएगा, ये डिवाइड में आ रहा है ना इधर, इन दोनों में ये तो जीरो हो जाएगा, ये आपका माइनस हो गया, इन दोनों में dy / dx कॉमन आ जाएगा, कॉमन लेने के बाद ये फॉर्म आएगी। अब आपको प्रूफ करना है, ये लाना है आपको, मतलब आपको साइन स्क्वायर के फॉर्म में आना चाहिए, जबकि आपकी वैल्यू जो आ रही है ये साइन आ रहा है वो x / y में है, तो आंसर आ रहा है उसमें x नहीं आ रहा, तो ये हमारा हो गया dy / dx, ये इधर आपका डिवाइड में मल्टीप्लाई में चल जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर इक्वल टू sin स्क्वायर a plus y डिवाइड, ये है आपका sin a plus y minus y cos a plus y, y cos a plus y यानी y की वैल्यू चाहो तो y की वैल्यू कर सकते हो, फिर sin कॉमन आ जाएगा, यहां पे y की वैल्यू पुट करेंगे तो ये y की वैल्यू आ जाएगी x, लेकिन x के टर्म में आंसर नहीं आना चाहिए, x नहीं आएगा आंसर में, तो क्या करेंगे dy / dx की फॉर्म में ये आना चाहिए, हर सेम अंश का अवकलन माइनस अंश सेम और हर का अवकलन कर दिया, sin का हो गया cos बटे हर का वर्ग sin स्क्वायर, उल्टा लिख दिया इसको, ये इधर आ गया आपका, इसको सॉल्व करना है आपको ना, तो साइन स्क्वायर आ रहा है ऊपर नीचे साइन है, तो आपको लाना क्या है साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइड साइन ए, यानी साइन ए प्लस वाई आना चाहिए, तो वाई को अगर एक्स में चेंज करूंगा तो एक्स में आंसर आएगा, एक मिनट,
डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू को नहीं। यहाँ देखो आप जो डिफरेंशिएशन कर रहे हो ना दोनों पक्षों का वाई के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो आप, तो वाई के सापेक्ष करेंगे तो देखो हर सेम हो गया, हर आपका सेम रहा, अंश का अवकलन वाई का अवकलन वाई के सापेक्ष, ये dx नहीं होगा, वाई के रिस्पेक्ट में डी वाई, ऐसे ही फिर अंश सेम रहेगा, अंश सेम आ गया वाई, और हर का साइन का हो गया कॉस, ए का जीरो हो गया, और वाई का वाई के रिस्पेक्ट डी वाई ओवर डी वाई। आप देखो कितना था, ये तो वन हो गया, यानी ऊपर जो बचे का वो लिखना है आपको, या उल्टा लिख दिया तो चलो इसको नीचे लिख दूंगा, यहाँ देखो y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं अवकलन, हम x के सापेक्ष नहीं कर रहे y के कर रहे, ये ऊपर लिख दिया ये dy, तो ये दोनों वन हो जाएंगे, ये कटेगा इससे, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका, यहाँ बचेगा sin a plus y, sin a plus y और minus y, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो cos y का, इसका जीरो इसका वन, ठीक है y cos a plus y, पहले आपने dx over dy किया, हर को सेम रखा किया गया, अंश का यानी इसका y के रिस्पेक्ट में क्या होगा वन हो जाएगा, फिर इसके बाद अंश को सेम रखा y को सेम, फिर हर का अवकलन किया, तो हर का अवकलन क्या होगा आपका sin का हो गया cos, a का जीरो y का वन, तो उसमें मल्टीप्लाई कर दिया ये वन। अब हमें sin square upon y के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, dy over dx, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, वन हो गया, यहाँ पे आपका केवल क्या आएगा, ये dy over dx आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा, कॉमन कुछ आएगा नहीं, तो वन हो गया, ये वैल्यू आ रही है, हमें ऊपर चाहिए sin a plus y और नीचे चाहिए आपको sin a plus sin a केवल, x में आंसर नहीं आ रहा है, ये पूरा y में कन्वर्ट हो गया, लेकिन और sin ये जो सिद्ध करना है ना वो इसमें यहाँ करेक्शन होगा, फिर ये साइन स्क्वायर ए प्लस वाई है, यहाँ पे होगा आपका साइन ए प्लस वाई माइनस वाई कॉस ए प्लस, क्योंकि ये उस रूप में तो कभी आएगा, ये जो आंसर होगा इसका ये होगा, जो प्रूफ करना है आपको वो आपका ये प्रूफ होगा इसका, इसमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कुछ वैल्यू पुट कर करा तो जैसे सब होगा नहीं, क्योंकि अगर आप y के प्लेस पे कुछ वैल्यू रखोगे तो वो x में आ जाएगा, और इसमें अगर यहाँ कोई x आ नहीं रहा है तो उसके आंसर में मुझे हो सकता है ये गलत लिखा हो, ये आएगा, आप इसको नोट कर लो, मतलब ये क्वेश्चन बन गया एक नया, ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसका जो ये है यहाँ पे डिनोमिनेटर उसके प्लेस पर आप ये लिख लेना, अगर मान लो वो वाला भी सही होगा तो मैं एक बार देख लूंगा उसको कि क्या है उसमें, ठीक है, ये बात बुक में देखना पड़ेगा, मैंने तो शायद यही नोट किया था, तो अभी आप इस क्वेश्चन को लिखो, ये इस क्वेश्चन का जो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा है ये इसका आंसर क्यों, ठीक है, करो जरा इसे नोट, ये देखो और 13 क्वेश्चन है, यहाँ बाई का मान आपको दिया है, अब देखो यहाँ वेरिएबल है एक्स, इसके पावर में भी एक्स वाले परिमाण है, तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं उनमें क्या करना पड़ता है आपको लॉग लेना पड़ता है, फिर लॉग लेके डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप 13 का, पहले आप इसमें क्या करेंगे, ये तो आपको गिवन हो गया, यानी दिया है y इक्वल टू साइन x माइनस कॉस x, इसकी जो पावर है वो भी क्या है साइन x माइनस कॉस x, ये पावर हो गई, इसमें क्या करो आप लॉग ले लो, उसको बना लो इक्वेशन पर, यानी लिखो टेकिंग लॉग, taking log of both side, यानी दोनों तरफ आपको log लेना है, ये आ जाएगा आपका log by is equal to ये sin x minus cos y, sorry cos x, और ये आ गया log sin x minus cos x, अब इसको आपको क्या करना है डिफरेंशिएट करना है दोनों पक्षों पर x के सापेक्ष, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन
अच्छा करो अवकलन, देखो वन अपॉन वाई, फिर वाई का करेंगे आप डी वाई ओवर डी एक्स। अब यहां देखो दो फंक्शन है, एक ये है और एक ये, तो पहले फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर लो, साइन का हो गया कॉस एक्स, कॉस का हो गया माइनस साइन, तो ये प्लस साइन एक्स हो जाएगा। इस दूसरे वाले को सेम रखो, यानी कि लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये सेम रहेगा आपका, फिर प्लस लगाएंगे आप। फिर इस फर्स्ट वाले को सेम रखेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यानी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स सेम रहेगा, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी वन अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लॉग का हो गया। अब इसका करो साइन में, साइन का हो गया कॉस, और कॉस का माइनस साइन, तो प्लस साइन। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिए थोड़ा। ये आपका डी वाई ओवर डी एक्स, ये देखो यहाँ डिवाइड में है, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा इधर। ये जो एलसीएम लोगे आप, एलसीएम आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल ही हो गया, ये जो है ये आपका इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे ये दोनों में कॉमन आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो कॉमन ले लो, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ये कॉमन आ गया आपका। ये कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचा, जो ब्रैकेट में आएगा वो आएगा लॉग साइन एक्स माइनस कोस एक्स और प्लस वन, इस तरह से लिखेंगे आप, प्लस वन अलग रहेगा, ये दोनों में कॉमन लिया ना, प्लस वन यहाँ आएगा ब्रैकेट। अब वाई की वैल्यू नोट कर देंगे, वाई की वैल्यू क्या है आपकी, वाई की वैल्यू ही, यानी साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और इसकी पावर क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये पावर हो गई इनटू ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इनटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, फिर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका, लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस वन, ये वैल्यू आ गई आपकी किसकी, डी वाई ओवर डी एक्स, ये आंसर है। इसमें प्रूफ नहीं करना है आपको, केवल आंसर निकालना है, कहीं भी छोड़ सकते हो आप, तो यहाँ इस स्टेप पे छोड़ दो या बाई के पे, तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन हो गया 13। ठीक है, एक्सरसाइज में इसलिए इसका क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, करो उसे लो। देखो क्वेश्चन है 14, इसी तरह से जो क्वेश्चन है 14वें के आगे का क्वेश्चन है 15वां, वो भी ऐसे ही है, 15वें में दो है फर्स्ट और सेकंड, तो ये 14 में करा रहा हूँ, 15 आप करके देखना आज, उसमें से जो भी एक दो आप कर लो, नहीं हो दोनों में से कोई, तो फिर मुझे पूछे करना होगा, है ना। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि ये एक्सरसाइज जो है आपकी जो मिसलिनियस है, उसमें मिसलिनियस में 7.5 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज 7.5 तक के टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें, वो सब सॉल्व हो जाएंगे, केवल आपको एक एक्सरसाइज बचेगी इसमें 7.6। जैसे ही मैं आपको 7.6 कराऊंगा कि आपका जो डिफरेंसेस है वो कंप्लीट हो, करो इसे नोट जरा, देखें इसका सॉल्यूशन। ये हमें वाई दिया हुआ है, वाई इक्वल टू है साइन 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 एक्स, इसको बना लेंगे आप इक्वेशन वन, इसके दोनों पक्षों का समीकरण एक एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने में, तो देखो एक्स के सापेक्ष करोगे तो ये आएगा आपका डी वाई ओवर डी एक्स। अगर साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, ये होगा कॉस साइन एक्स, ठीक है, इनटू फिर साइन एक्स का करेंगे तो साइन एक्स का आ जाएगा आपका कॉस एक्स, ये बनेगा। अब इसमें क्या करना है आपको, या तो इसको कॉस को चेंज कर लो यहाँ पे वाई के फॉर्म में ले आओ, या फिर ऐसा करो यही डिफरेंशिएशन कर लो, इसको बना लो इक्वेशन आप सेकंड, यहाँ पे पुनः एक्स के सापेक्ष या वाई के फॉर्म में ले आते हैं तो ज्यादा बढ़िया, डबल करोगे फिर आपको यहाँ पे वैल्यू रखनी पड़ेगी दोनों,
मैं सोच रहा हूँ कि ये आ जाए सीधा, जैसे कॉस लिखा हुआ है, तो कॉस को क्या लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन साइन एक्स, इसका स्क्वायर कर दो इसको, कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट है, तो ये कॉस आ जाएगा, और इनटू में क्या है यहाँ पे कॉस, और ये आपके इक्वल किसके है, डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। अब इसके दोनों तरफ आप क्या करो, वर्क कर लो, टेकिंग स्क्वायर दोनों पक्षों का वर्क करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने, अच्छा स्क्वायर करेंगे आप तो देखो क्या आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया, और इधर से स्क्वायर हट जाएगा, यानी कॉस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और ये बन जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन एक्स, ये बनेगा, यानी डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस, देखो साइन साइन एक्स की वैल्यू क्या है, वाई है, यहाँ स्क्वायर होता है, वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर, इसको बना लो आप इक्वेशन सेकंड। अब किस इक्वेशन का एक बार और डिफरेंशिएशन करो, पुनः अगेन, यानी कि पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक बार और आपको क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डी बाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर है, तो ये टू आ गया है, टू डी बाई ओवर डी एक्स, फिर इस डी टू वाई ओवर, एक बार और करेंगे तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसमें यू टू बी का फॉर्मूला लग जाएगा, ये कॉस वाला सेम है ना, तो देखो कॉस स्क्वायर का पहले टू कॉस एक्स, और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है, फिर आपको क्या करना है, प्लस प्लस ये इनटू में आपका सेम रहेगा, इसके साथ 1 माइनस वाई स्क्वायर सेम है, फिर प्लस करेंगे आप, फिर कॉस स्क्वायर एक्स सेम रहेगा, और ये 1 माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा, 2 वाई डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, ये कॉस का हो गया माइनस, तो ये बन गया आपका टू dy over dx into d2y over dx square, और ये हो गया इक्वल में माइनस 2 sin x into cos x into में है इसके 1 माइनस y square प्लस cos square x, मल्टीप्लाई कर दो इसका, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस टू वाई कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। अब डी वाई ओवर डी एक्स को आप क्या करो, डी वाई ओवर डी एक्स जो टर्म आ रहा है डी टू वाई के साथ नहीं आना चाहिए, तो ये डिवाइड में चला जाएगा, यहां से डी वाई ओवर डी एक्स की जो वैल्यू है ये वाली, ये वैल्यू पुट कर देना इसमें, डी वाई ओवर डी एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, कॉस ये भाग में चली जाएगी पूरी वैल्यू से, यानी ये आ जाएगा आपका कॉस वाई के टर्म में चेंज कर लेंगे इसको, जो वाई के टर्म में चेंज किया डी बाई डी एक्स वर्क करके लिखा, ये आ गया यहाँ 1 माइनस वाई हो जाएगा, यानी कि डी बाई डी एक्स की वैल्यू लिखनी पड़ेगी आपको, जब चलो उसको नोट कर लो पहले, मैं तब इसको इसके डिवाइड में चली जाएगी ये वैल्यू, यानी ये आ जाएगा हमारा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, जब आप इसे डिवाइड में भेजोगे तो देखो ये ऐसे लिखा जाएगा इज इक्वल टू माइनस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, डिवाइड में क्या आएगा इसका 1 अपॉन डी वाई ओवर डी एक्स 2 हो रहा है, ठीक है, ये कॉस वाला टर्म अलग है क्या इसका, चलो इसके साथ अभी मल्टीप्लाई नहीं किया, प्लस ऐसे कॉस स्क्वायर एक्स इनटू 1 अपॉन 2
डीवाई ओवर डी एक्स, और ये आ जाएगा आपका माइनस टू वाई कॉस स्क्वायर एक्स, टू डीवाई ओवर डी एक्स यानी टू कट जाएगा, डीवाई ओवर डी एक्स कट जाएगा, वाई कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन आ जाएगा इसमें, और चाहे कॉस स्क्वायर एक्स आइटम तो आपको चाहिए ये वाला, तो ये तो है ही हमारे पास, ये बन ही रहा है। ई टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर टर्म बनना है, केवल आपको डी वाई ओवर डी एक्स वाला टर्म है ना ये बनाना है, ये जो डी वाई ओवर डी एक्स का टर्म आएगा वो आपको बनाना है, टेन एक्स डी वाई ओवर डी एक्स आना चाहिए। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे इसको, और इसको टेन एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ये तो देखो टर्म है ही हमारे पास, इसको बराबर से इधर लाना है केवल ये, और आपका ये वाला, ये दोनों तो है, ये आपका ये है ही, और ये आपका ये वाला है, माइनस का है वो उधर आएगा प्लस हो जाएगा। केवल आपको क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है इसको और इसको, तो इस दोनों को सॉल्व करने के लिए डी बाई ओवर डी एक्स जो है हमने इसके डिवाइड में भेजा है। ठीक है, डी बाई ओवर डी एक्स की वैल्यू यहां से रख लें, डी बाई ओवर डी एक्स की वैल्यू ये आ जाएगा, वाई के टर्म में रख लें, वाई के टर्म में रख लेना, या फिर डायरेक्ट वैल्यू लगा देना ये वाली कोस एक्स वाली, फिर देख लेंगे जो जो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपको डी बाई डी एक्स की वैल्यू रखनी है दोनों, डी बाई डी एक्स की वैल्यू रख के इसको कैंसिल कर करा के काट पीट के आपका ये बचना चाहिए, टेन बचना चाहिए, और एक ये डी बाई डी एक्स बचना चाहिए, यानी कि कॉस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स वाला टर्म आना चाहिए। ठीक है, ये दो टर्म आने चाहिए, बाकी इसके एक बार देखना आप सॉल्व करके, यहाँ पे डी बाई डी एक्स की वैल्यू रखना, यहाँ से ये जो रखी हुई ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को आप वहां पुट कर देना, फिर उसको कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करके सभी पदों को एक तरफ कर देना, तो ये इक्वेशन आएगा। एक तरीका ये भी है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखो दूसरे तरीके से अगर आप करके देखना चाहो तो ऐसे देखना, जैसे डी बाई डी एक्स की वैल्यू आपने निकाली, इसको आप इक्वेशन टू बना लेना। ठीक, इसी तरीके से आपको क्या करना है, इसी को अवकलन करके डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर निकालना है, इस सेकंड वाले को डिफरेंशिएशन कर लो, तो यहाँ पे डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, इसको बना लेना इक्वेशन, ये डी बाई डी एक्स की वैल्यू है आपके पास, और इसका अवकलन करेंगे एक बार और तो d2 by over dx स्क्वायर की वैल्यू आती है। इन दोनों वैल्यू को और इस y की वैल्यू को इस पूरी इक्वेशन की जो LHS साइड है ये वाली, इस LHS साइड में पुट कर देंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे y की वैल्यू रखनी है, यहाँ पे d by over dx की वैल्यू रखनी है ये वाली, और d2 by over dx की जो वैल्यू आप निकालोगे इसका अवकलन करके वो यहाँ, और वैल्यू रख के फिर इसको जोड़ना है पूरे उसमें LHS में, तो कट कटा के जीरो आना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी तरीके से चाहे तो ऐसे कर लेना, वैल्यू लगा के उसमें से एडजस्ट करना पड़ेगा कौन सी चीज कॉमन आ रही है क्या है, और अगर ऐसे नहीं कर पाओ तो डी बाई ओवर डी एक्स निकालना, डी टू बाई ओवर डी एक्स उसको निकालना, इन दोनों वैल्यू को एलएचएस में रख देना और उसको भी देख लेना सॉल्व करके, वाई की वैल्यू की जरूरत पड़े तो ये रख देना साइन साइन एक्स, फिर इसको कैलकुलेट करना तो जीरो आ जाएगा। दोनों तरीके में से किसी तरीके से कर सकते, इस तरह के मैंने एग्जाम्पल आपको पहले सॉल्व कराया, और या ये ऐसे सॉल्व किया मैंने पैसे। ठीक है, अगर नहीं हो तो आप मुझे पूछ लेना, जैसे ये 14 क्वेश्चन है इसी तरह का आपका 15 का फर्स्ट और सेकंड है, तो 15 के क्वेश्चंस आपको करके देखने दो और ये क्वेश्चन कंप्लीट करके देखना है, अगर नहीं आ रहा है तो आपको मुझे कल पूछ लेना है, अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा इसको सॉल्व करके। ठीक है, तो आप इसको यहाँ तक ले लो और उसके बाद सॉल्व करना।